हाली कुर्सियों का कारण भीषण गर्मी रही या फिर भाजपा सांसद गोपाल जी ठाकुर के लोकप्रियता का गिरता गिराव, इस बात को लेकर गुरुवार को डीएम शेष मैदानी नहीं पूरे शहर में लोग अपने अपने ढंग से चर्चा कर रहे थे। कोई कह रहा था कि गोपाल जी ठाकुर से मतदाता के साथ साथ भाजपा के कार्यकर्ता भी नाराज हैं, इस बार उनकी खटिया खड़ी हो जाएगी। जबकि कुछ लोग कह रहे थे कि चिलचिलाती धूप के कारण कोई टेंट के भीतर बैठना नहीं चाहता, इसलिए अधिकांश कुर्सियां खाली थी। कारण कुछ भी हो, लेकिन यह सच है कि पूरा तामझाम करने के बाद भी गोपाल जी ठाकुर का नामांकन समारोह राजनीति की दृष्टि से फ्लॉप ही कहा जाएगा। जब इस संबंध में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा से मिथिला लाइफ की टीम ने सवाल किया तो वह गोलमटोल जवाब देते नजर आए। सब सही है, लेकिन सभा चल रही थी लेकिन पीछे की कुर्सी पूरी खाली नजर आ रही है। बहुत देर से आपने देखा है कि 11 बजे से कार्यक्रम चल रहा है, हम लोग तो बहुत लास्ट में आए हैं और कुर्सी तो उस समय भरी हुई थी सुबह फर्स्ट आवर में। और जनता के दिल में जगह है, ये जनता की जीत होगी, मोदी जी की गारंटी पर लोगों को विश्वास है।